तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हमारे फ्लैट की चाबी हो गई है। क्या हो गई है भाई? गुम। गाइस, तो बात ये है कि अभी हमने कीमेकर से बात की थी, तो बात हो गई हमारी। उसने बोला है कि भाई मैं आकर उसका तीन चार लोग आपके लिए की बना दूंगा और आप टेंशन मत लीजिए, आपका मैनेज हो जाएगा। तो उसने हमारे लिए ₹50 बताए उसके, कितनी देर में तैयार करके देता है। अगर तैयार जल्दी हो जाती है तो हम निकलने वाले हैं टूर के लिए। करेक्ट करेक्ट। और हमारा सामान सारा पैकिंग है और थोड़ा सामान उसमें से उठाना है फ्लैट से, उसके बाद जो हमें टूर पे निकलना है। कहाँ के लिए? मनाली। मनाली। तो गाइस, इस ब्लॉग में बने रहिए क्योंकि आपको दिखाने वाले हैं हम मनाली का टूर। हाँ, दिखा दिया वो मनाली का टूर। मनाली का टूर क्या क्या लगेगा तुम जाने के बाद पता पड़ेगा। गाइस, सतीश जो है वो हमेशा फ्री फायर खेलता रहता है, वो भी मेरी तरह। अपने दोनों खेलते हैं ना बहुत ज्यादा फ्री फायर। वो अपनी कर दी है यहाँ पर पार्क और जा रहे हैं हमारे गुरुजी और विकास साथ में। वो चाबी वाला आया है बनाने वाला, देखते हैं सीन क्या रहता है। क्यों, क्या हुआ? चाबी बनाने वाले की एंट्री तो हो चुकी है और ये सतीश जा रहा है उसके साथ बैठकर, और अपने गुरुजी वो आ रहे हैं। गिर गए यार। तू क्यों गिर रहा है भाई? ये आप देख सकते हो, नोएडा की बिल्डिंगों का नजारा और कोल काफी ज्यादा। वाह, चाबी हो गई बननी शुरू। गेट का लॉक खुल गया, देखो सभी लोग खुश। भैया काफी मशक्कतों के बाद खुला है। जो हमारा फ्लैट है, हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा रखा है, काफी अच्छा डेकोरेट है। और ये अपना गोल्डन प्ले बटन एंड सिल्वर प्ले बटन, और ये वाला, और इसमें भी बहुत अच्छा करा रखा है हमने, देख सकते हो। विकास लेट कर मौज कर रहे हैं और इधर से व्यू बहुत अच्छा है। गाइस, देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा तगड़ा व्यू है और नीचाई देख सकते हो आप। गाइस, जो फ्लैट है अपना कुछ इस तरीके से डेकोरेट था। आप कमेंट में बताओ कि कैसा लग रहा है आपको हमारा फ्लैट, जल्दी बताओ कमेंट में। गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आज कितनी भीड़ है। आज है 25 दिसंबर, जो साढ़े कम तक ले रहे होता तुम्हारे आईफोन से ले, दिखाओ जाम, दिखाओ मटर, रुक जा रुक जा, जाम दिखा देते हैं। ओ भीड़, उससे बाहर है वो भी काफी तगड़ा व्यू होगा। गाइस, आप देख सकते हो फाइनली हम मॉल के अंदर से आ चुके हैं, गौर सिटी मॉल के अंदर से। अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। दोस्तों, अपनी गाड़ी खड़ी है उस गाड़ी के पीछे, चलते हैं फ्लैट के लिए और निकलते हैं सुबह को मनाली। ओ गाड़ी चमक जाती है, लग रहे कल रोड रास्ते में लग रही थी भूख और सभी लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। ये है घर का खाना। अभी तो मनाली है यहाँ से 500 किलोमीटर।
यहाँ पर हम लोगों ने पहले एक बार ऐसी गाड़ी पर मतलब खाना खाया था काफी टाइम पहले, तो मतलब इनका खाना जो काफी टेस्टी लगा था। तो खाना है हमने खा लिया। तूने कितने खाए थे? 3.5 प्लेट। मैंने एक प्लेट खाया था चावल सिर्फ। और सभी लोग चलने के लिए रेडी हैं, पेमेंट करने वाले हैं। चलो चलते हैं, आप भी आगे जाकर और कुछ खाते हैं और अपने बाहर से बनाएंगे खाना। क्या खाएगा और आगे चलकर बनाएंगे कॉफी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। ठीक है, आगे कहाँ चल रहे हो आप? घर है मनाली? घर है मनाली? अरे चंडीगढ़ तो रहे हो? चंडीगढ़ एयरपोर्ट रहे हो? तो है गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस हमने किया था यहाँ पर स्टे, तो यहाँ पर हमने देखा छत पे चढ़ के तो काफी तगड़ा व्यू है यार। है विकास, है ना? है विकास बताओ। बहुत तगड़ा सीन है भाई। देखिए यहाँ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम कहाँ पे आ गए? यूं तो ना पता कहाँ पे आ गए, पहाड़ियों के बीच। वो लोकेशन काफी तगड़ी है गाइस यहाँ की। यहाँ रुके थे टॉयलेट करने के लिए। अभी मंत्री है और गाड़ी को ऐसे रास्ता मिलता गया, सभी पुलिस वालों ने मतलब एक साथ सपोर्ट किया भाई और लगातार अपनी गाड़ी जो है दबादब निकलती रही। फिर उसके बाद खोलते थोड़ी देर रास्ता था, वो पूरा ब्लॉक ही था, अलग था, लेकिन हमने सोचा कि झंडा लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम आते आते हमने चीर निकाल दे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन को हम मोदी जी के नाम ही कर देते हैं, मोदी जी की मीटिंग को भी मतलब जो भी रहेगा उनके भाषण वगैरह को सुन भी लेते हैं। ऐसे झंडा लगा के आप शो ऑफ करना ठीक नहीं है। जब तक रेडी थी तब तक ठीक था। डाके हाथ में जवान है। अच्छे खाए छोड़ कहां तुम आते इन सबको? गान आ रही है आईफोन में आ सकती है। बर्फ में है या आ रही है? सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग। अजय कहां पहुंच चुके हैं? मनाली। मनाली और यहाँ पर हो रही बहुत ज्यादा ठंड। कितनी ठंड है? टेम्परेचर यहाँ का है 17 -17। भाई ठंड की मारे मैं तो कांप रहा हूँ। अजय तू नहीं कांप रहा है? हाँ। तो गाइस यहाँ पे जो बर्फ है पहाड़ों पे वो काफी अच्छी है। हम लोग होटल पे रुके हुए हैं, हम लोग दो रूम ले रखे हैं, सब काफी बिस्तर लगे हुए हैं। अभी एडिटिंग करी है मैंने, एडिटिंग करके हटा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको अगला ब्लॉग बहुत ही तगड़ा देखने को मिलने वाला है।